पेज नंबर 58, ओके। चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट म्यूट योर सेल्फ एंड टर्न ऑन योर कैमरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस इज कमिंग एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज बर्ड, ओके। सो अब देखो हम क्या करते हैं, हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले अपने आस पास कर देते हैं जिन्हें आज राही ब्यूटी ऑफ है। तो हम जब भी बाहर देखते हैं नंबर एंड वैरायटी ऑफ कि बहुत ज्यादा बर्ड्स होते हैं और वैरायटी ऑफ बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बर्ड्स जो होते हैं पैरेट है पैरोट है पिजन्स है देयर आर मेनी नंबर ऑफ बर्ड। सो देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ बर्ड दैट कि अब हम उसे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्यों करेंगे करेंगे कि कौन कौन से बर्ड्स हैं और उनका मूड क्या होता है उनकी क्लॉज कैसे होती है उनकी बीक कैसे होती है, ओके। तो सबसे पहले ब्लैक कलर बर्ड, गुड मॉर्निंग मैम, डैडी काउ काउ साउंड। अब काउ जो क्रो जो है वो ब्लैक कलर का आप सभी ने देखा होगा, क्रो क्रो को ब्लैक कलर का होता है और उसकी साउंड क्या होती है, काउ काउ की साउंड होती है। आफ्टर दैट दे आर इंसेक्ट ग्रेन सीड नट एंड वॉर्म। अब उनका फूड क्या होता है वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट इंसेक्ट मीन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना छोटे छोटे उनको वो ये करते हैं को खाते हैं नट्स को खाते हैं। सो दे ईट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर फूड। Thank you.
जो भी वो खाती है। आफ्टर दैट व्हाइट कलर के होते हैं, नेक्स्ट होती है लॉन्ग होती है एंड दे ईट स्मॉल फिश बॉन्स फ्रॉग्स स्नेक्स एंड दे समटाइम्स स्टैंड ऑन द लेग इन वाटर लेग ऊपर स्टैंड वो वाटर में लेग के ऊपर क्या बल लेग के ऊपर क्या स्टैंड कर सकते हैं खड़े हो सकते हैं। आफ्टर दैट जो है वो हमारा बोला है पीकॉक। अब ये पीकॉक जो होता है ये बहुत ही सुंदर है। Excuse me, ma'am. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर। ओके ओके। नाउ क्लियर? चलिए करते हैं हम स्टार्ट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पीकॉक। अब पीकॉक जो है ना दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत सुंदर बर्ड है ये और ये ब्राइटली कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये क्या है इसके विंग्स होते हैं वो बहुत सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं कलर होते हैं एंड विद ब्यूटीफुल फैदर्स और फैदर्स जैसे जो मैंने आपसे बात की फैदर्स भी इसकी बहुत ही सुंदर होते हैं। देखे होंगे आपने पीकॉक सी and they eat small snakes, insects, fruits and seeds. snakes को eat करते हैं, seeds को eat करते हैं, fruits को eat करते हैं, कौन करता है? peacock. and peacock is the national bird of India. you know that? अगर आपको question आए बेटा, which is the national bird of the India? then answer is क्या है आंसर इसका? पीकॉक नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट शो करते हैं वो है हमारा नेक्स्ट दैट इज मूवमेंट ऑफ बर्ड्स की बर्ड्स की मूवमेंट कैसे होती है वो चलते कैसे हैं सो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स और देखो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स क्या है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब आप सभी ने देखा होगा कि बर्ड्स जो है वो खाली तो रहते नहीं है एक ही प्लेस पे रहते नहीं है वो क्या करते हैं फ्लाई करते हैं इन द एयर एटमोस्फेयर में इन द एयर में वो क्या करते हैं फ्लाई करते हैं एंड दे हैव अ बोर्ड शेप्ड बॉडी। बोर्ड शेप मींस ऐसे करके होती है इनकी बॉडी इस शेप की बॉडी होती है उनकी बोर्ड की शेप की बॉडी होती है एंड शेप्ड बॉडी टू हेल्प देम फ्लाई। अभी इनकी बोर्ड शेप की बॉडी क्यों है क्योंकि इसमें जो है ये इनकी फ्लाई करने में उड़ने में इनकी क्या करती है हेल्प करती है एंड देयर बोन्स आर होलो। अब देखो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उनकी जो बोन्स होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेग है इसकी लेग की जो बोन जो होगी ये क्या होती है अंदर से होल होती है होल मीन्स खाली होती है उसके अंदर कुछ नहीं होता है यही कारण है कि वो जो है हम होलो होंगे तो मीन्स लाइट भी होंगे उनका वेट नहीं होगा यही रीजन है कि वो उनके फ्लाई करने में उड़ने में उनकी क्या करती है हेल्प करती है एंड देयर टेल हैज द चेंज डायरेक्शन। अब इनकी ये टेल जो है अब देखो इससे क्या करना है इस साइड भी जाना है इस साइड भी उठना है इस साइड में और डायरेक्शन में इसे क्या करना है तो टेल जो है उसकी क्या
कर रही है, फ्लाई करने में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रही है. एंड स्ट्रक्चर्स लाइक विंग्स एंड लेग्स हेल्प देम टू मूवमेंट. डिफरेंट बर्ड्स मूव इन डिफरेंट वेज. ठीक है, समझ आ गया बेटे यहाँ तक सभी को? Yes, common features of birds. Common features of birds. अब कुछ ऐसे birds जो होते हैं उनमें कुछ common feature भी होते हैं, सेम भी होते हैं. ठीक है, तो वो क्या है फीचर? सबसे पहले है फेदर्स ऑफ बर्ड्स. अब सभी बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, बर्ड्स के फेदर्स होते हैं. तो फर्स्ट क्या आ गया हमारा, फेदर्स ऑफ बर्ड्स. सो birds look beautiful because of feathers they have on their bodies. Feathers protect them from harsh weather. And birds have their three types of feathers. अब देखो कि birds की जो body होती है ना वो बहुत सुंदर सी लगती है. वो किसके कारण लगती है बहुत सुंदर सी? क्योंकि उनकी body में क्या है, feathers हैं. फेदर्स ही उनकी बॉडी को सुंदर बना रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं फेदर्स को, ओके, तो बना रहे हैं और बॉडी को ब्यूटीफुल बना रहे हैं. सो थ्री टाइप्स के फेदर्स जो हैं वो है, एक है कॉन्टोर फेदर, सेकंड जो है दैट इज अ डाउन फेदर, और थर्ड जो है दैट इज अ फ्लाइंग फेदर. थ्री टाइप्स के फेदर्स कौन कौन से हैं? कॉन्टोर फेदर, डाउन फेदर और फ्लाइट फेदर. ओके, अब हम तीनों को, इसमें कॉन्टोर फेदर में क्या है कि डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स का बर्ड. अब ये कॉन्टोर फेदर जो है ये शेप और कलर देते हैं बर्ड्स को. सेकेंड है डाउन फेदर. डाउन फेदर क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं. स्मॉल इज सॉफ्ट फेदर. जैसे से बताओ. ओके ओके, कंट्रोल फेदर्स जो होते हैं वो है जो बर्ड्स होता है उसको डिफरेंट शेप देते हैं, शेप और कलर प्रोवाइड कंट्रोल फेदर. डाउन फेदर्स जो है, डाउन मींस कुछ छोटे छोटे फेदर्स होते हैं और वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं ये डाउन फेदर. और थर्ड जो है दैट इज अ फ्लाइट फेदर. फ्लाइट फेदर क्या होंगे? लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फेदर. अब फ्लाइट नाम से ही क्लियर है वो किसमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प टू फ्लाई द बर्ड. ठीक है, याद है थ्री टाइप. माय गॉट टू टॉयलेट. हां जी मैम, माय गॉट टू टॉयलेट. देखो इनके टेल में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ऑयल ग्लैंड किसमें हेल्प कर रहा है? सो उनके फेदर्स को अपने बीक से, अपने फेदर्स को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, रिफ्रेश होने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, अब जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे दैट इज अ बीक्स ऑफ फेदर्स. बीक्स मींस जो चोंच होती है बर्ड्स, बीक्स beaks of birds. So birds have different
types of based on their feeding habit. अब देखो birds की different different types की beaks होती हैं. किसके ऊपर depend होती है ये beaks? उनके feeding habit. जिस type का उसका क्या होगा, जैसे पूछो. सबसे पहले है strong and pointed beak. First again वो आगे हमारी strong and pointed beak. Strong and pointed beak नाम से ही क्लियर है बेटा, strong होगी, hard होगी. Pointed means यहां से क्या होगी, बिल्कुल Yes. So, to peck at the bark of trees to eat insects and make holes in the tree trunk. अब देखो तो मतलब उसको जैसे एग्जाम्पल है इसका वुड पैकर है. वुड पैकर क्या करता है, ट्री की जो चीजों को स्टैंड होती है उसको वो उसकी इतनी हार्ड बीक होती है कि वो उसको भी क्या कर लेता है, ईट कर लेता है. सेकंड जो आ गया हमारा शॉर्ट एंड हार्ड बीक. सेकंड आ गया हमारा शॉर्ट एंड हार्ड बीक. अब ये भी नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट होगी मीन्स छोटी सी होगी, हार्ड होगी मजबूत होगी. सो to crush and eat the seeds and grains easily. जो भी hard grains होते हैं उनको eat करने में help करेगी. जैसे sparrow के आगे, sparrow की छोटी सी होती है, sparrow की छोटी सी होती है तो ठीक है, समझ में ऐसे ठीक है, छोटी सी उसकी beak. Next आ गया हमारा short hard and curved. Short, hard, and curved beak. अब देखो इससे क्या है, short होगी means छोटी होगी, hard होगी, और curved means ऐसे करके curved होगी, curved की shape होगी. ठीक है, like that. सो ये किसकी होती है, पैरेट की होती है. नेक्स्ट है आपका ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. Broad and flat beak. In this, to catch fishes and weeds in water, example, duck and swan. अब ये क्या करते हैं insects को, जैसे duck जो होती है वो कहाँ पे, हमने पहले पढ़ा वो water में रहती है, तो ये क्या करती है जो भी fishes जो होती हैं या other organisms जो होंगे, other insects होंगे, वो एकदम से catch कर ओके. सो अब नेक्स्ट जो है शो एंड स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक. स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक. स्ट्रॉन्ग होगी मीन मजबूत होगी, हार्ड होगी, और हुक्ड हुक्ड मीन इससे बड़ी आ गया ऐसे करके और ऐसे ठीक है. ये ऐसे करके तो एग्जाम्पल आ जाते हैं ईगल, वल्चर है. ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है हमारा फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड. अब पढ़ेंगे हम उनके फीट कैसे होती है. फीट
Present.